देखिए एक जना के बियाह ठीक होता उनकर बाबूजी तिलक दहेज नहीं खन मानवत। सब लोग दबाव देता कि दहेज अभी ना ले तो बाद में का जाने दुर्घटना हो सकेला। सब लोग दबाव देता लेकिन उ नहीं मानत। जब अगुआ के बेटिया के ज्यादा दबाव आयल तो कहते रहे कि जब रुआ सब नहीं मानत तो हम मांगत नहीं तो उन्हें हमारा के दे दी। कैसे कहते रे कहले भाई कि ना दहेज में समान चाहिए ना ही पाकक मकान चाहिए। ना दहेज में समान चाहिए ना ही पाकक मकान चाहिए। सुनो समझी महान बाटे के आरवा समझनिया जवान चाहिए जाहिर समझनिया जवान चाहिए जाहिर समझनिया जवान चाहिए। चाही दहेज में कूलर या टीवी पढ़ल लिखल चाही हमर बबुआ के बीवी। ना चाही दहेज में कूलर या टीवी पढ़ल लिखल चाही हमर बबुआ के बीवी। और का मांगो तड़े कह तरे कि उनका रूप रूपवान चाही निमन खर खानदान चाही। सुनो अगुआ महान बाटे के आरमा एगो साली से आन चाही जाहिर एगो साली से आन चाही जाहिर समधिया जवान चाही। भले तू को रुपया ना मिले दहेज में भाव आ गई हरिहर भैया। भले तू को रुपया ना मिले दहेज में बाकी है बबुआ के रख ली कर्ज में। भले तू को रुपया ना मिले दहेज में बाकी है बबुआ के रख ली करेज में। अतने ना और का कि उनकर गुण गुणवान चाही निमन खर खानदान चाही। सुनो अगुआ महान बाटे के आरमान
करती जगाने वाले चाहिए जाहिर समझनिया जवान चाहिए जाहिर गोसाली से आन चाहिए संबंधिन कैसन चाहिए हमरा संबंधिनिया के बड़े बड़े बाल हो गोरे गोरे गाल और हिरनियो सचाल हो हमरा संबंधिनिया के बड़े बड़े बाल हो गोरे गोरे गाल और हिरनी के चाल हो पतो कैसन चाहिए कि उनका रूप रूपवान होखे अनिमन खोर खानदान होखे सुन समझ महान बाटे मकान चाहिए सुनो अगुआ महान बाटे के आराम गोसाली से आन चाहिए चाहिए गोसाली बाबा विजेंद्र जी आप आई आ कुछ गा के सुनाई